तो दोस्तों आज सुबह सुबह एक न्यूज़ आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई कि अक्षय कुमार के आने वाली फिल्म बेल बॉटम OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज की जाएगी और बेल बॉटम फिल्म को हम सिनेमा घरों में नहीं देख पाएंगे। ये न्यूज़ वायरल होने के बाद ही अक्षय कुमार के जितने भी फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और बहुत सारे फैंस नाराज भी हो गए। सभी अक्षय कुमार के फैंस का कहना है कि भैया लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म को भी आपने OTT पे रिलीज कर दिया, अब जब सिनेमाघर पूरी तरह से खुल चुके हैं और साउथ की फिल्में एक के बाद एक रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर कमाल की कमाई करती जा रही है, ऐसे में बेल बॉटम फिल्म को सिनेमाघर में न रिलीज करते हुए OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, अक्षय कुमार के फैन से मैं भी एग्री करता हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म पर अब कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होना चाहिए और सभी फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बेल बॉटम फिल्म OTT पे रिलीज होगी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। न तो बेल बॉटम फिल्म के जो मेकर्स है JK भगनानी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बेल बॉटम फिल्म को OTT पे रिलीज किया जाएगा, ना ही फिल्म के जो सुपरस्टार है यानी कि अक्षय कुमार, उन्होंने कहा कि बेल बॉटम फिल्म OTT पे रिलीज होगी। उसके बाद भी सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ काफी ज्यादा फैल रही है कि भैया बेल बॉटम अब तो 100% कंफर्म हो गई है OTT पे रिलीज होने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें समझाने वाला हूं जिससे हमें यह क्लियर कट पता चल जाएगा कि OTT प्लेटफॉर्म पर बेल बॉटम फिल्म को रिलीज किया जाएगा या फिर बेल बॉटम फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो सबसे पहले अगर बात करें कि बेल बॉटम फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर क्यों रिलीज हो सकती है, तो सबसे पहली वजह तो है अक्षय कुमार। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो किसी भी फिल्म में काम करते हैं, फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद जैसे उन्हें अपने काम की यानी कि फीस का चेक मिलता है उसके बाद वो बेफिक्र हो जाते हैं और फिल्म को OTT पे रिलीज करना है या थिएटर में रिलीज करना है ये पूरा जिम्मा वो सौंप देते हैं फिल्म के मेकर्स यानी कि प्रोड्यूसर के ऊपर। तो हो सकता है कि ये फिल्म OTT पे रिलीज हो जाए। और दूसरी वजह ये भी है कि बेल बॉटम फिल्म के जो प्रोड्यूसर है JK भगनानी यानी कि पूजा एंटरटेनमेंट, उनकी लास्ट फिल्म आई थी Coolie No. 1, उसे भी JK भगनानी ने OTT प्लेटफॉर्म यानी कि Amazon प्राइम को बेचा था। तो हो सकता है कि JK भगनानी के मन में यही बात घूम रही है कि जिस तरह से Coolie No. 1 फिल्म को उन्होंने Amazon प्राइम को बेच दिया था उसी तरह वो यहाँ पे बेल बॉटम फिल्म को भी Amazon प्राइम को बेच दे। वही तीसरी वजह एक और ये है कि अक्षय कुमार के पास इस वक्त ढेर सारी फिल्में हैं जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त सूर्यवंशी बन के तैयार है, साथ ही साथ अतरंगी रे भी कंप्लीट हो चुकी है, पृथ्वीराज चौहान की भी शूटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बेल बॉटम तो कब से तैयार होकर रखी हुई है। तो हो सकता है कि बेल बॉटम फिल्म के जो मेकर्स हैं उनको ये टेंशन है कि अक्षय कुमार की सबसे पहले तो सूर्यवंशी रिलीज होगी, उसके 2-3 महीने बाद ही हम बेल बॉटम फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। लेकिन जब बेल बॉटम फिल्म को हम रिलीज करना चाहेंगे हो सकता है कि उस समय पे अतरंगी रे रिलीज हो जाए। बेल बॉटम फिल्म के मेकर्स के मन में यही सवाल होगा कि बेल बॉटम फिल्म को अक्षय कुमार के इतने सारे फिल्मों के साथ अगर रिलीज करते हैं तो हो सकता है कि बेल बॉटम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर उतना कलेक्शन नहीं मिले जितना अमाउंट यहाँ पे Amazon प्राइम हमें देने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि Amazon प्राइम बेल बॉटम फिल्म को लगभग 200 करोड़ रुपए में खरीदने को तैयार है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे फिल्म के मेकर्स डायरेक्ट 200 करोड़ रुपए अंदर करके बेल बॉटम फिल्म को Amazon प्राइम पर रिलीज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो वो बातें हो गई जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि बेल बॉटम फिल्म OTT पे रिलीज हो जाएगी। लेकिन अब उन वजह के बारे में बात करते हैं जिससे ये पता चलता है कि बेल बॉटम फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहली वजह तो ये है कि बेल बॉटम फिल्म OTT पे रिलीज होगी, ये खबर सबसे पहले किसने ब्रेक की? बॉलीवुड हंगामा ने। और जितने भी फिल्मी लवर्स हैं और जितने भी फिल्मों के न्यूज़ जानने वाले हैं उन सबको पता है कि आज के समय में बॉलीवुड हंगामा से बड़ी फेक न्यूज़ फैक्ट्री कोई नहीं है। बॉलीवुड हंगामा के जितने भी आर्टिकल आते हैं ना बॉलीवुड को लेकर, उनमें से 90% फेक न्यूज़ होती है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि अगर OTT पे बेल बॉटम फिल्म रिलीज होती तो इसकी कन्फर्म न्यूज़ देने वाले कौन थे? लेट्स OTT ग्लोबल, एक ऐसा पोर्टल है जो कि 100% करेक्ट न्यूज़ देता है OTT रिलीज के बारे में। अगर बेल बॉटम OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती तो सबसे पहले इस न्यूज़ को कौन ब्रेक करता? लेट्स OTT ग्लोबल। लेकिन लेट्स OTT ग्लोबल ने अभी तक कोई भी ट्वीट नहीं किया जिसमें यह पता चले कि बेल बॉटम को Amazon प्राइम खरीदने को तैयार है। वही दोस्तों यहाँ पे हिमेश मकन जो कि बेस्ट बंदा है, जिसकी न्यूज़ 100% कन्फर्म रहती है, हिमेश ने भी अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया जिसमें यह पता चले कि बेल बॉटम फिल्म को OTT पे रिलीज किया जाएगा। तो सिर्फ बॉलीवुड हंगामा की एक फेक न्यूज़ पे भरोसा करना
थोड़ा गलत हो सकता है। तो जितने भी अक्षय कुमार के फैंस हैं उनके मन में ये सवाल है कि बेल बॉटम OTT पे रिलीज होगी या सिनेमा घर में, उन सबको यही कहूँगा कि भाई अभी किसी पर भरोसा मत करो जब तक बेल बॉटम फिल्म के मेकर्स या फिर अक्षय कुमार खुद ये ट्वीट करके नहीं बताते हैं कि बेल बॉटम OTT पे रिलीज होगी, तब तक आप किसी पे भरोसा मत करो। यकीन करो, हो सकता है कि बेल बॉटम फिल्म सिनेमा घरों में ही रिलीज हो। और यकीन मानिए कि अगर बेल बॉटम एक अच्छी फिल्म हुई तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया कमाई कर सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितने भी अक्षय कुमार के फैंस हैं जिनके मन में ये सवाल था कि बेल बॉटम सही में OTT पे रिलीज होगी या सिनेमा घर में, उन सभी को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, बेल बॉटम फिल्म को Amazon प्राइम पर रिलीज करना चाहिए या थिएटर में? अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, प्रणिपात।